हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, आपका स्वागत है फूडीज कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे बनाना चिप्स। बनाना चिप्स तो हर किसी का फेवरेट होता है, लेकिन बच्चों का तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट होता है, और यही चिप्स अगर होममेड हो तो फिर इसकी बात ही कुछ और है। तो चलो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बनाना चिप्स बनाते समय कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारे चिप्स बहुत ज्यादा कुरकुरे बनते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 केले लिए, उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उस पर हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून मैंने पानी डाले हैं, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे किनारे में रख देंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे अपने बनाना को छील लेंगे, तो इसे नाइफ़ की सहायता से ऐसे छील लें और इसका पूरा ग्रीन पार्ट हमें अलग करना है। और मैंने इसके आगे और पीछे दोनों को भी काट लिया है। ये देखिए मेरा बनाना मैंने पूरा छील लिया है। तो अब इसे हम कटर ले लिया है और ऑयल में हम डायरेक्ट इसे ऐसे स्लाइस में करते जाएंगे। तो हमारा देखिए बनाना डायरेक्ट ऑयल में जाते जा रहा है और ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो हम एक बार में एक बनाना पूरा डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो हमने सॉल्ट वाला पानी बनाया था वो डाल देंगे। सॉल्ट वाला पानी डालने के बाद इसमें तुरंत आवाज़ आने लगता है और बबल्स उठने लगते हैं, देखिए। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सॉल्ट वाले पानी से जो है ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, तो इससे हमारे चिप्स जो है अच्छे से तल जाते हैं और कुरकुरे रहते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि इसमें ना नमक भी जो है हमारे चिप्स के अंदर में चला जाएगा अच्छे से, तो इसलिए हमने यहाँ पर सॉल्ट वाला पानी यूज़ किया है। तो हमें इसे बीच बीच में ऐसे चम्मच इसमें चलाते रहना है, और जब बबल्स आना बंद हो जाएगा और पानी की गड़गड़ाहट बंद हो जाएंगी तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए अब बबल आना बंद हो चुका है, हमारा चिप्स अब अच्छे से पूरा तल चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक छन्नी में ताकि इसका ऑयल भी निकल जाए। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और ये देखिए हमारे चिप्स से कितना अच्छे आवाज़ आ रहे हैं, और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ हमारा चिप्स कितना कुरकुरा बना है। तो देखा आपने होममेड बनाना चिप्स बनाना कितना इजी है। इसे हम 5 मिनट में बना सकते हैं। कभी भी बच्चों को मन करे आप घर में झटपट इसे बनाइए और अपने बच्चों को सर्व कीजिए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।